ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੋ इसके बारे में डिटेल यही है कि हम चाहते हैं कि हम कुछ करें और अभी फंड्स का जो वसी सिलसिला है वो अभी शुरू नहीं हुआ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दो साल के बाद ये जो है ना अभी दो साल नहीं टोटली दो साल के बाद भी डेढ़ साल हुआ टाइम बहुत थोड़ा हुआ हमारा प्रोग्राम है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सके वो करेंगे और मैं और मियाँ साहब मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह हम बिल्कुल इकट्ठे हैं एक है एक मंसूबा है एक ही मंशा है कि पाकिस्तान तरक्की करे डिंगा तरक्की करे डिंगे की बेहतरी से बेहतरीन काम हमारी एक ही सोच है एक ही फिक्र है कि काम आप करें खुद डिंगा वाले करें डिंगा वाला करें हमें हुक्म दें कि फंड चाहिए हम फंड देंगे काम आप खुद करें काम आप लोगों ने करना है बताना आपने जो आपको आपकी तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है और हमारा काम ये है कि आप बताते जाएँ और हम आपको फंड ला के देते और आप काम आगे करते जाए पैसे भी आपके खर्च भी आप ही करेंगे और ये आपको यकीन दिलाते हैं कि कहीं से कोई कमीशन आएगी नहीं वो ये सब जो फंड आएगा आपके पास एक एक पाई आपके पास और ये वो जो पहले करप्शन और वो क्या नाम है कमीशन है वो चीज़ सिलसिला ख़त्म है सब कुछ डिंगे के ऊपर लगेगा और डिंगे की भलाई के लिए डिंगे की सफाई के लिए डिंगे की तरक्की के लिए डिंगे की तालीम और हेल्थ के लिए सर पाप होंगे सर जी डिंगा खा रही है और डिंगा गुजरात रोड के बारे में भाई ये तो कई दफ़ा बता चुके हैं रोज़ रोज़ बताना तो ज़रा अच्छा नहीं लगता मैं वो बात नहीं करता कि ऐसे फ्लाई काम करें शुरू होंगे तो मजीद ऐसा ही फंक्शन करेंगे और इंशाल्लाह ये मंजूरी हो गई है मिल के दिए मिल के काम मैंने भी दिए इन्होंने भी दिए तीनों सड़कों के लिए दिए डिंगा गुजरात डिंगा खारिया डिंगा नाला और ये थोड़ा पैसा नहीं है ये तकरीबन 10-1 अरब का टोटल है उसके लिए पैसे आने में थोड़ी दिक्कत है लेकिन ये भी हमें गुजारिश की है कि हमें पार्ट्स में काम दें एक साल एक काम करें एक साल दूसरा काम करें तो ये सहदार इंशाल्लाह चलता रहे मुकम्मल हो गए काम जो कराएँ और जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह ठीक है।